गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पर्पस ऑफ बटन लेफ का आज 9th चैप्टर का लास्ट लेक्चर। दो पेज बचे, दो ढाई पेज है, तो आज कंप्लीट कर देंगे। तो उसमें पेज नंबर 177 जो लास्ट पैरा हमने पढ़ते थे, उसमें एक लाइन जो आती थी लास्ट पैराग्राफ में, द माइंड हैज नॉट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, दैट इज टू बी लेफ्ट टू बी टू द ब्रेन। तो ये पॉइंट जो है, इसमें माइंड और ब्रेन क्या क्या डिफरेंस है, वैसे आगे तो हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं, फिर भी क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सावरिया जी के सिस्टम में मन का बिल्कुल एक अलग ही अर्थ है। और नॉर्मल कोर्स में जब हम कहीं भी कुछ पढ़ते हैं माइंड के बारे में, माइंड या मन कहते हैं, तो उसका एक अलग एक अर्थ होता है। नॉर्मल कोर्स में जिसको हम मन कहते हैं, वो जो है एक वास्तव में तो एक मेमोरी ही है। और वो हम जानते हैं मेमोरी कैसे बनती है, कि जो हमने ज्ञान अनुभव वगैरह से जो कलेक्ट किया हुआ है या जो एक्वायर्ड किया हुआ है, तो वो जो जो चीज है वो चीज एक फिर हमारा मेमोरी बन जाती है और फिर हम इसका जीवन में उपयोग करते हैं। तो जब हम सोचते हैं तो सोचने में भी हमारा मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है, देखते सुनते हर जगह पर हमें मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है। तो हम इसको मन कह देते हैं कि भाई ये मन है और मन द्वारा हमने ये किया वो किया, हमारे मन में विचार आ रहे हैं। तो ये भी गलत है कि हमारे मन में विचार आ रहा है, ऐसा शब्द हम यूज करते हैं। हकीकत में विचार ब्रेन में आ रहा है, क्योंकि मेमोरी भी ब्रेन के अंदर है। हम जानते हैं कि पिछले हिस्से में ब्रेन के पास पिछले हिस्से में मेमोरी है और इनकमिंग इम्पल्स आता है तो वो मेमोरी का उपयोग करके फिर विचार बनता है। तो जो ब्रेन में मेमोरी में है और इसलिए विचार जो बनते हैं वो ब्रेन में बनते हैं। पर हम बोलते हैं कि भाई मेरे मन में ये विचार आ रहा है, मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है, तो वो इतना सही नहीं है। तो गड़बड़ी यहाँ है कि मन और ब्रेन का जो डिफरेंस है वो हम समझते नहीं है। और दूसरी बात, तावरिया जी की सिस्टम में तो मन का अर्थ ही एकदम अलग कर दिया है उन्होंने। वास्तव में तो वो मन नहीं पर चित्त शब्द का यूज करते हैं, और चित्त है या थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं वो। तो चित्त जो है वो हम जानते हैं कि चित्ती से जो प्रवाह आता है, चित्त क्या है कि चित्ती का प्रवाह एक करंट है जो हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर आता है, वो कोई ठोस चीज नहीं है। सावरिया जी के सिस्टम में कोई मन या चित्त ऐसी कोई 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 पर्टिकुलर जगह पर पड़ी हुई कोई चीज नहीं है, एक प्रवाह है, एक करंट है जो बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर हमारे अंदर आता है और वो ब्रेन को मिलता है, वो करंट ब्रेन के पास जाता है तो उससे ब्रेन की मेमोरी एक्टिवेट होती है और फिर वहाँ ब्रेन के अंदर प्रक्रिया चालू हो जाती है विचारों की। तो जो चित्त जो है, जो चित्ती से चित्त बना, उसका काम क्या है कि उसको जैसे कि वो लाइट फेंकती है, इस तरह एक प्रकाश फेंकती है कि जिसके अंदर चित्त काम, जिसके अंदर ब्रेन काम कर से, या ऐसा कहे कि एक करंट अंदर आ रहा है, एक इलेक्ट्रिसिटी अंदर आ रही है कि जिसके द्वारा ब्रेन रूपी एक कंप्यूटर जो है वो काम करना चालू करता है। तो तावरिया जी की सिस्टम में तो मन या चित्त का अर्थ ही एकदम अलग है, वो कोई 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 चीज नहीं है या कोई कोई जगह पर फिक्स हुई कोई चीज नहीं है, वो एक हमेशा प्रवाह है। और जो हम मन नॉर्मल कोर्स में जो उसको मन कहते हैं, तो हम ऐसा समझते हैं कि मन को एक हमारे अंदर कोई जगह पर एक चीज है और उसका हम उपयोग करते हैं, पर वो भी सही नहीं है, क्योंकि जो मेमोरी है वो मेमोरी का ही हम उपयोग करते हैं और उसको हम मन कह देते हैं। तो ये इतना डिफरेंस जानना जरूरी है। अब पेज नंबर 178 से आगे पढ़ते हैं। द इंडिविजुअल हु हैज अटेन्ड टू स्टेज 3A एंड 3B कैन, व्हाइल फुलफिलिंग द हाउस होल्डर्स ड्यूटीज, रिमेन इन स्टेज 3A एंड व्हेन फ्री फ्रॉम दीज ड्यूटीज
remain in state 3B, which keeps the chitta quiet even as one now works to attain the stage 3C. तो ये 3A और 3B का डिफरेंस क्या है वो यहाँ समझाते हैं कि जब व्यक्ति 3A और 3B के ऊपर पहुंचती है तो उसमें खास डिफरेंस नहीं है. एक के अंदर डिफरेंस ये है कि ब्रेन को चालू रखना पड़ता है, 3A के अंदर ब्रेन का जो है वो उसका उपयोग करना पड़ता है और 3B जो है उसके अंदर ब्रेन का बिल्कुल उपयोग बंद कर देते हैं. तो 3A के अंदर क्योंकि जब व्यक्ति या साधक जो है हाउस होल्डर है या कोई भी व्यक्ति है उसको जीना तो पड़ेगा और जीवन जीने के लिए ब्रेन की भी जरूरत पड़ेगी. तो ब्रेन के उपयोग के लिए उसको मेमोरी की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए ये यहाँ उसको इनकमिंग इम्पल्स को आने देना है और हाउस होल्डर की ड्यूटीज निभानी है, इसलिए ब्रेन का उसको उपयोग करना है. तो उस समय उसको 3A के स्टेज में रहना पड़ेगा, वहाँ वो ब्रेन का उपयोग करके अपना जो ड्यूटीज है वो निभाएगा. पर अभी कोई ड्यूटी नहीं है, कुछ काम नहीं है, बस अब एक अंदर की ओर जाना है, तो फिर वो क्या करता है कि इनकमिंग इम्पल्स को आने नहीं देता है या वो मेमोरी पैटर्न को मिलने नहीं देता है. वहाँ जो वाल है, ब्लॉक है, उसको वहाँ वो बंद कर देता है. तो इनकमिंग इम्पल्स ब्रेन के अंदर नहीं जाता है तो वहाँ फिर विचार बनते नहीं है, तो फिर वो ध्यान समाधि के अंदर जा सकता है. तो ये डिफरेंस इतना ही है, 3A के अंदर ब्रेन का उपयोग है, 3BA के अंदर ब्रेन का उपयोग नहीं है. और 3C की बात तो और अलग है, 3 स्टेज के अंदर 3B के बाद में वो आगे 3C के स्टेज तक भी जा सकता है. स्टेज 3C इज द स्टेट फॉर एडवांस प्रैक्टिसेस. अब जो एडवांस प्रैक्टिसेस है, जिसको तावरिया जी धारणा ध्यान समाधि को एडवांस प्रैक्टिस हमेशा कहते हैं, प्रत्यार तक तो क्योंकि 3A भी जो है वो प्रत्यार में आता है और फिर जो धारणा ध्यान समाधि जो है वो एडवांस प्रैक्टिस है और वो 3C के अंदर की जाती है. डायग्राम 3B शोज द फंक्शनिंग ऑफ द मिड ब्रेन विच वॉज नॉन फंक्शनल इन डायग्राम्स 1 and 2 एंड दिस बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज मेड पॉसिबल सर्टेन नर्व्स टू बी ऑपरेटिव फॉर द फ्लो ऑफ वाइटल एनर्जी. अब ये जो है 3B के अंदर एक रोल होता है मिड ब्रेन का. तो हमारा जो अंदर का ब्रेन का जो पिछला हिस्सा है और उसके भी दो पार्ट है, लेफ्ट मिड ब्रेन है और राइट मिड ब्रेन है, तो उसका उपयोग 3B के अंदर किया जाता है. क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान जो व्यक्ति को लेना है तो वहाँ ये मिड ब्रेन से वो चित्ती के साथ में कम्युनिकेट कॉन्टेक्ट कर सकता है और वहाँ से वो फ्रेश नॉलेज जो है वो ले सकता है. तो इसलिए ये मिड ब्रेन का यहाँ बहुत उपयोग है और 3B के स्टेज में उसका उपयोग कर सकते हैं. उसके पहले डायग्राम 1 और 2 के अंदर तो वो मिड ब्रेन काम ही नहीं करता है, पर क्योंकि अभी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया उसके व्यक्ति के अंदर और कुछ नर्व्स वगैरह अब एक्टिवेट हो गई है, उसके कारण जो एनर्जी का फ्लो है जो नीचे से स्पाइन से जो मूलाधार से चालू होके फिर स्पाइन से या सुषुम्ना से ऊपर की ओर आता है पूरा फ्लो और वो यहाँ मिड ब्रेन तक पहुँचता है और वो मिड ब्रेन से फिर वो ज्ञान वगैरह प्राप्त कर सकता है. तो डायग्राम 3B जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या ब्रह्मांड सृष्टि क्या है, ब्रह्मांड क्या है उसका ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए ये 3B के स्टेज के अंदर साधक को जाना पड़ता है. वेरियस सेंटर्स और पॉइंट्स दैट वर डोरमेंट सो फार स्टार्ट पल्सेटिंग. अब जो ब्रेन के अंदर जो पॉइंट्स है, सेंटर्स है, वो पहले डोरमेंट थे. सामान्य व्यक्ति के अंदर वो सेंटर्स काम नहीं करते हैं. जैसे तावरिया जी कहते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर 72 पॉइंट्स है और हमारे बॉडी के अंदर भी 72 पॉइंट्स है, पर दोनों का जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं है. दोनों का जो एक दूसरे के साथ जो मिलके काम करना चाहिए, कनेक्शन जो होना चाहिए, वो कनेक्शन नहीं है. तो साधना होती है या बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तो ये ब्रेन के पॉइंट्स और बॉडी के पॉइंट जो है वो जॉइंट होते हैं और उसके द्वारा बहुत सारी अंदर की नई प्रक्रिया चालू हो जाती है. तो ये
जो डोरमेंट पॉइंट थे वो अभी चालू हो गए और वो पल्सेटिंग होने लगे हैं, उसका वो धक्का करने लगे हैं। व्हेन ऑल दिस हैपेंस इन एन इंडिविजुअल इट इज टू बी एक्सपीरियंस रादर देन बिलीव। अब जब ये व्यक्ति को अनुभव होता है तब फिर वो मानने लगता है, फिर उसको पता चलता है कि भाई ये खाली बात नहीं है। अभी हम यहाँ पढ़ते हैं पर जिस दिन हमें भी ये अनुभव होगा कि भाई इस तरह के पॉइंट्स है और इस तरह एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है, तो जब हमें इस तरह का अनुभव होगा तो फिर हम अपने आप में मानने लगेंगे। इन द लैंग्वेज ऑफ योगा दिस इज द स्टेट ऑफ प्रत्याहार दैट इज नॉन अटैचमेंट और डिटैचमेंट। तो ये जो स्थिति बनी है उसको योग की भाषा में प्रत्याहार या नॉन अटैचमेंट या डिटैचमेंट कहते हैं। और उसका एक सूत्र है योग सूत्र के अंदर, सूत्र 54 बुक नंबर 2, एब्स्ट्रैक्शन और प्रत्याहार इज द सब्यूगेशन ऑफ द सेंस बाय द थिंकिंग प्रिंसिपल एंड देयर विड्रोवल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड दैट विच हैज हिदर टू बीन देयर ऑब्जेक्ट। तो ये सूत्र जो है वो प्रत्याहार की स्थिति को बताता है कि प्रत्याहार की स्थिति जब बनती है तो क्या होता है उसके अंदर। पहला तो जो है सेंसेस जो है काम जो सेंसेस है वो जो थिंकिंग प्रिंसिपल के साथ जुड़ी है और सेंस ऑर्गन के साथ जुड़ी है तो दोनों के साथ से वो कट हो जाती है, विड्रॉ हो जाता है वहां। अब सेंसेस जो है वो थिंकिंग प्रिंसिपल के साथ किस तरह जुड़ी है, क्योंकि थिंकिंग प्रिंसिपल के अंदर जो मेमोरी है उसका ही सेंसेस को उपयोग करना है। मतलब कि जो कुछ ज्ञान अंदर आता है उसको उसका इंटरप्रिटेशन तो कैसे होगा कि जो थिंकिंग प्रिंसिपल के अंदर जो मेमोरी पूल्स पड़े हैं और मेमोरी पड़ी है वहां से मेमोरी का उपयोग किया जाएगा तब वो ज्ञान के रूप में वो चीज हमारे समझ में आएगी। तो इसीलिए सेंसेस जो है वो हमारी थिंकिंग प्रिंसिपल के साथ जुड़ी है और सेंस ऑर्गन के साथ भी जुड़ी है, क्योंकि सेंस ऑर्गन द्वारा ही जो इम्पल्सिस जो है वो अंदर आते हैं। अब प्रत्याहार की स्थिति होती है तब ये सारी चीजों को कट कर दिया जाता है, सब्जुगेशन मतलब उसका निग्रह किया जाता है, उसको कट कर देते हैं ताकि कोई इम्पल्सिस अब अंदर आ न पाए और अंदर की स्थिति को मेंटेन किया जाए। द वेरी बिगिनिंग ऑफ प्रत्याहार इज द इनहेरेंट स्टेट ऑफ प्रत्याहार। तो शुरुआत का जो प्रत्याहार है वो एक स्वाभाविक एक नेचुरल फॉर्म में जो प्रत्याहार की एक शुरुआत होती है जिसके अंदर ये थोड़ा थोड़ा जो इंद्रिय निग्रह चालू होता है, फिर बाद में वो पक्व होता है तब पूरा एक डिटैचमेंट की स्थिति आती है। शुरुआत में तो ये स्थिति बनती है फिर चली जाती है, ज्यादा समय टिकती नहीं है, पर आगे जाके फिर वो लंबे समय तक ये प्रत्याहार की स्थिति में साधक रह सकता है, डिटैचमेंट की स्थिति। प्लीज सेट असाइड ऑल नॉन मीनिंग्स ऑफ अटैचमेंट नॉन अटैचमेंट एंड कीप द माइंड ओपन फॉर ए फ्रेश अंडरस्टैंडिंग एज टू द इनर कंडीशन ऑफ बोथ द बॉडीज फिजिकल एंड एस्ट्रल। अब नॉर्मल कोर्स में क्या है कि ये अटैचमेंट डिटैचमेंट शब्द जनरली माइंड के लिए हम उपयोग करते हैं, अटैचमेंट माने आसक्ति और आसक्ति मन के अंदर होती है, तो जनरल कोर्स में हम अटैचमेंट या आसक्ति शब्द मन के लिए उपयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि भाई ये सारे शब्द जो है उसको अभी आप छोड़ दो और फ्रेश रूप में उसको समझने का प्रयत्न करो कि क्या है, क्योंकि अंदर जब प्रत्याहार की स्थिति जब बनती है तो फिजिकल और एस्ट्रल दोनों की एक अलग कंडीशन होती है, इनर कंडीशन एक अलग होती है और दोनों काम करते हैं फिजिकल और एस्ट्रल, तब जाके ये प्रत्याहार की स्थिति बनती है। तो इसीलिए ये अटैचमेंट नॉन अटैचमेंट वगैरह शब्द का यहाँ उपयोग करना ठीक नहीं है। नो एडवांस प्रैक्टिसेस आर पॉसिबल अनलेस द स्टेट इज रिच द इंडिविजुअल ऑन रीचिंग स्टेज 3A and 3B इज इन अ पोजिशन टू कैरी आउट द एडवांस प्रैक्टिसेस ऑफ प्रत्याहार बट ओनली अंडर द ट्रांसेंडेंटल टीचर ईश्वर एंड नेवर अदरवाइज। हाउएवर वन कैन नॉट प्रैक्टिस धारणा एंड ध्यान विदाउट द फर्स्ट वर्किंग कॉन्शियसली फॉर दिस स्टेज 3A and 3B। तो ये प्रत्याहार की पहले की स्थिति है
उसके बाद में फिर दूसरी स्थिति जन्म की है, मतलब कि आगे की प्रैक्टिस के लिए ये पहले इनिशियल स्टेट जो है वो डेवलप करना पड़ता है, फिर व्यक्ति धीरे धीरे करके थ्री और थ्री बी की स्थिति के अंदर आता है, वो स्टेज के अंदर आता है और वो एडवांस प्रैक्टिस है। प्रत्यार अब धीरे धीरे पक्व हो रहा है जब थ्री ए थ्री बी के अंदर, और थ्री बी के अंदर तो अच्छा खासा वो पक्व हो चुका है, प्रत्यार वो में व्यक्ति आगे निकल चुकी है। पर यहाँ भी एक बात ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए फिर उसे अंदर का जो गुरु है, ईश्वर है या ट्रांसेंडेंटल टीचर है, उसका फिर मार्गदर्शन लेना पड़ता है। प्रत्यार तक पहुंचाने के लिए जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं तो बाहर का कोई गुरु जो है वो हमें बाहर की प्रैक्टिसेस बताता है, और प्रैक्टिस करते 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 एक दिन हमारे अंदर प्रत्यार शुरू हो जाता है, और उसके बाद में आगे फिर ट्रांसेंडेंटल टीचर या ईश्वर या हमारा अंदर का गुरु है वो फिर चार्ज ले लेता है, और उसके मार्गदर्शन के अंदर फिर हमें साधना करनी पड़ती है। यहाँ फिर बाहर का गुरु का रोल खत्म हो जाता है। पर जब तक ये स्थिति, और उसके बाद में धारणा ध्यान की बात तो आती है, तो पहले तो कॉन्शियसली ये थ्री और थ्री बी के ऊपर काम करना पड़ता है, फिर आगे धारणा ध्यान समाधि की स्थिति बन सकती है। सूत्र 37 ऑफ बुक 1, द चित्ता इज स्टेबिलाइज एंड रेंडर्ड फ्री फ्रॉम इल्यूजन वेरियस सेल्फ कंसीव्ड मिराजिस एज द लोअर नेचर इज प्योरिफाइड एंड नो लॉन्गर इंडल्जिंग। तो जब हमारा लोअर नेचर जो है, हमारा जो साइकिक लोअर नेचर है वो जब शुद्ध होता है, और वो जब इंडल्ज होना बंद कर देता है, जिसके साथ में वो एक रूप हो जाता है, तो एक रूप की स्थिति जब बंद हो जाती है तब फिर चित्त जो है वो धीरे धीरे करके स्टेबिलाइज होने लगता है, स्थिर होने लगता है, और जो हमने खुद जो सब मिराजिस जो बनाई है, जो ब्रह्म माया वगैरह जो बनाया है, वो सारे से व्यक्ति फिर मुक्त हो जाता है। हमने खुद ने ही इतने सारे इल्यूजन्स क्रिएट किए हैं हर चीज के लिए, इवन भगवान के लिए भी और सब चीजों के लिए हमने इतने सारे इल्यूजन्स बनाए हैं, और जब ये स्थिति पर व्यक्ति पहुंचती है तब उसको पता चलता है कि ये तो सारे इल्यूजन ही थे, मेरी बनाई हुई एक मिथ्या मान्यता ही थी। तो ये स्थिति पर पहुंचता है साधक तब उसको, और उसके लिए उसको वो लोअर साइकिक नेचर है उसको प्योरिफाई करना जरूरी है। बिफोर अचीविंग द स्टेज ऑफ एंटरिंग द पाथ एंड बिकमिंग एन एक्सेप्टेड डिसाइपल अंडर एन एडवांस गाइड हु कैन ब्रिंग द डिसाइपल टू द स्टेज ऑफ प्रत्यार इट वॉज सूत्र 4 बुक 1, अप टिल नाउ द इनर मैन द सेल्फ द डिवाइन फ्रेगमेंट हैज सीमिंगली आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विथ हिज फॉर्म्स एंड विथ देयर एक्टिव मॉडिफिकेशन। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ तक आने के लिए फिर उसको बाहर का कोई गुरु, कोई वो भी एडवांस गुरु होना चाहिए। बाहर का गुरु भी ऐसा कोई सामान्य होगा तो प्रत्यार तक भी हमें पहुँचा नहीं पाएगा, तो कोई एकदम वो खुद पहुँचा हुआ है ऐसी कोई व्यक्ति हमें कुछ टेक्निक वगैरह समझाती है तो व्यक्ति साधक वहाँ तक पहुँचता है और प्रत्यार की स्थिति वहाँ बनती है। और प्रत्यार की स्थिति के बाद में जो अंदर एक स्थिति बनती थी वो जो स्थिति है वो बुक 4 के अंदर सूत्र के अंदर बताए, अप टिल नाउ द इनर मैन द सेल्फ डिवाइन फ्रेगमेंट हैज आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद हिज फॉर्म एंड विद देयर एक्टिव मॉडिफिकेशन। अब एक्चुअली ये सूत्र को समझने लिए उसके आगे के दो सूत्र जो है उसको भी समझना जरूरी है। दूसरा सूत्र है चित्त योग चित्त वृत्ति निरोध, तो चित्तवृत्तियों का निरोध जो होता है इसे इसको योग कहते हैं। अब चित्तवृत्ति का निरोध होता है तो क्या अंदर स्थिति बनती है वो तीसरा सूत्र में कहते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। अब अंदर का दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप के अंदर आ रहा है, उसके अंदर की स्थिति बन रही है दृष्टा की। और ये चौथा सूत्र है जिसको कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, मतलब कि अब जो है यहाँ जब ये स्थिति बन गई दृष्टा की, दृष्टा भी जागृत हो गया, दृष्टा भी अपनी स्थिति में आने लगा है,
तो वृत्ति का सारूप्यम है। सारूप्यम मतलब कि आइडेंटिफिकेशन। जो वृत्ति एक रूप हो जाती थी, अब हमारे हमारे अंदर क्या होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति है तो उसके अंदर वृत्ति सारूप्यम है, मतलब कि एक चीज को हम देखते हैं सुनते हैं तो तुरंत ही उसके साथ में हम आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। तो ये स्थिति जो है वो वृत्ति सारूप्यम की स्थिति है। तो ये वृत्ति सारूप्यम की स्थिति तब खत्म होती है कि जब दृष्टा अपने स्वरूप की अवस्था, अपने स्वरूप के अंदर अपनी अवस्था के अंदर आता है। तो ये सूत्र इस तरह तीनों सूत्र एक साथ में समझना है। बट बाय हार्ड डिलीजेंट एंड सीजलेस वर्क अंडर गाइडेंस द डिसाइपल रीचेज द स्टेज ऑफ 3A and 3B, सूत्र 41 ऑफ बुक 2। थ्रू प्योरिफिकेशन कम्स ऑल्सो क्वाइट स्पिरिट, सिंगलनेस ऑफ इंटेंट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ऑर्गन्स एंड एबिलिटी टू सी द सेल्फ। तो यहाँ जब ये साधक इस तरह डिलीजेंट वर्क करता है, एकदम खन पूर्वक काम करता है ये, और ये स्थिति के ऊपर 3 और 3B की स्थिति के ऊपर पहुँचता है जहाँ उसका चित्त वृत्ति का निरोध होना शुरू हो गया है टेम्पररी या थोड़ा समय के लिए, तो चित्त वृत्ति निरोध प्रत्यार के अंदर चित्त वृत्ति का निरोध शुरू हो जाता है। तब क्या होता है कि थ्रू प्योरिफिकेशन, अब अंदर जो प्योरिफिकेशन हो गया उसके अंदर इतनी शुद्धि हो गई तो क्या होता है कि क्वाइट स्पिरिट, जो आत्मा जो है वो शांत हो जाती है। कि आत्मा मतलब कि यहाँ जो है वो मन की जो चित्तवृत्ति है वो शांत हो जाती है, वो कहने का मतलब है। आत्मा तो अपने आप में शांति है, पर आत्मा जो चित्तवृत्ति के साथ आइडेंटिफाइड है वो शांत हो गया, अभी चित्तवृत्ति निकल गई। और फिर जो है वो इसके उसके अंदर एक इरादा की सच्चाई आती है, उसके अंदर उसके अंगों के ऊपर एक जीत, जिसको अंगमेज वो कहते हैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द ऑर्गन, उसके अंगों के ऊपर वो विजय प्राप्त करता है और अपने आत्मा को देखने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। तो जब इतने 3 और 3B के स्टेज के ऊपर व्यक्ति पहुंचती है तो ये सारी चीजें भी फिर गतित होने लगती है। वंस द डिसाइपल रीचेज द स्टेज ऑफ सीइंग एंड कॉन्टेक्टिंग द डिवाइन फ्रेगमेंट एंड टेकिंग गाइडेंस, दैट इज फ्रॉम स्टेज 3A ऑनवर्ड, दैट इज द इम्पोर्टेंट एंड बेसिक स्टेज फॉर साइंटिफिक योगा, दैट इज प्रत्यार, धारणा, ध्यान, समाधि आर माइल्स अवे ईयर। तो 3A की स्थिति जब, अब साधक की एक ऐसी स्थिति बनी है कि यहाँ वो डिवाइन फ्रेगमेंट का कॉन्टेक्ट कर सकता है, उसको देख भी सकता है और उसका गाइडेंस भी प्राप्त कर सकता है, ये 3A की स्थिति के बाद में आती है। 3A के ऊपर की स्थिति के अंदर वो आत्मा के साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है और उसको देख भी सकता है। और इसको यहाँ जो है वो साइंटिफिक योग का बेसिक स्टेप स्टेज उसको कहते हैं, मतलब ये प्रत्याहार का एक स्टेज है। और धारणा ध्यान समाधि और माइंड अवेयर, तो धारणा ध्यान समाधि तो अभी बहुत दूर की बात है, यहाँ 3A के बाद में जो स्थिति बनती है वो प्रत्याहार की साइंटिफिक योग की स्थिति बनी है और उसके बाद में आगे धारणा ध्यान समाधि की स्थिति बन सकती है। द डिवाइन फ्रेगमेंट सेल्फ इज नाउ द एक्नोलेज ट्रांसेंडेंटल टीचर ऑफ द पर्सनैलिटी और इंडिविजुअल एंड गाइड्स द इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड, सो द डिसाइपल इज रेडी फॉर द मोस्ट एडवांस प्रैक्टिसेस एट फर्स्ट ऑफ प्रत्याहार एंड देन हायर। अब यहाँ जो है एक और ये स्थिति आनी बहुत जरूरी है कि जब तक हमारा इंडिविजुअल पर्सनालिटी या व्यक्ति जो है वो आत्मा का शरण नहीं लेता है, उसकी स्वीकृति नहीं करता है, तब तक जो है वो उसको गाइडेंस नहीं मिलता है और वो आगे नहीं जा पाता है। तो मन को हमने पिछले भी देखा था पीछे टाइम में कि मन को आत्मा की शरणागति लेनी पड़ती, वो अपना ही फॉल्सहुड है वो जान लेता है कि मैं जो हूँ वो सही नहीं है और ये आत्म तत्व है वही सही है, सुप्रीम है, और फिर वो उसकी शरणागति लेता है, तब फिर गाइडेंस मिलना चालू होता है। तो यहाँ पर्सनालिटी जो है या हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम है या जिसको जीव भी कह सकते हैं, वो अभी
इसको आत्मा का एक्नोलेज करते हैं और फर्स्ट एंड नॉलेज एक्सपीरियंसेस वगैरह लेना वो चालू कर देता है, और फिर बाद में वो एडवांस प्रैक्टिसेस भी कर सकता है, प्रत्याह और उसके ऊपर की प्रैक्टिसेस भी बाद में ये ट्रांसेंडेंटल टीचर के अंदर कर सकता है। हु इज अ डिसाइपल? द पर्सनालिटी मेड अप ऑफ द फिजिकल एंड एस्ट्रल बॉडीज इन रिदम विद द फिजिकल ब्रेन एंड एस्ट्रल मनस। तो ऐसी व्यक्ति शिष्य कौन है? शिष्य अगर किसको कहना है तो किसको कह सकते? तो एक यहाँ एक स्थिति बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपना फिजिकल बॉडी और ब्रेन और एस्ट्रल बॉडी और मनस ये सबको रिदम में जिसने ला दिया, वो व्यक्ति जो है वो डिसाइपल कहलाने के लाया। मतलब डिसाइपल इतना ये स्थिति कोई आसान नहीं। हम कह रहे थे कि हम शिष्य है, इसके शिष्य है, हम शिष्य बन गए, पर ऐसे कहने से शिष्य नहीं बन सकते हैं हम। या किसी को हम कह देते कि वो हमारे गुरु हैं, तो ऐसे कहने से वो कोई हमारा गुरु नहीं हो जाता है। इसी तरह हम कहते हैं कि हम शिष्य हैं, तो इस तरह खाली कहने से शिष्य नहीं बन सकते हैं। पर जब हमारा अंदर का फिजिकल एस्ट्रल दोनों बॉडी और दोनों ब्रेन जब सब कुछ चीज जो है वो रिदम में आ जाती है, तब समझना है कि अभी ये व्यक्ति डिसाइपल बनने के लायक है, क्योंकि ये इसके बाद में ही फिर ट्रांसेंडेंटल टीचर उसको गाइडेंस देना शुरू करता है। तो इतना तो उसको काम पहले ही कर देना पड़ेगा कि फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, ब्रेन, मनस को रिदम में उसको ला देना पड़ेगा। दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और ब्रेन और मनस का। ये जब सिंक्रोनाइजेशन होगा और रिदम सेट हो जाएगी, उसके बाद में आगे की प्रैक्टिस होगी और उसके लिए फिर ट्रांसेंडेंटल टीचर का मार्गदर्शन मिलेगा। दिस कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी विच नाउ नो मोर लिव्स बाय इट्स ओन अवेयरनेस बट बाय ओबेइंग एंड ऑर्डरिंग द ट्रांसेंडेंटल टीचर ईश्वर द इनर डिवाइन फ्रेगमेंट विलिंगली सबमिट टू ऑल डायरेक्शंस। अब जो है वो यहाँ जो ये हमारी पर्सनालिटी है या जो व्यक्ति है या व्यक्तित्व हमारा है, वो जो है वो अब अपनी अवेयरनेस से नहीं जीता है। वो अब जो आत्मा है या ट्रांसेंडेंटल टीचर है उसके वो उसको ओबे हो जाता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसको उसकी पूजा आराधना करता है और अपने आप में विलिंगली वो उसके चढ़ने जाता है। और जो वो कोई वो बताता है, वो सिखाता है, वो सब करता है और सभी आयामों से जो कुछ उसको बताया जाता है वो सीखता है और आगे बढ़ता है। प्रोग्रेस ऑन द पाथ मीन्स दैट दिस डेवलप पर्सनैलिटी अर्लियर फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड एट लास्ट रियलाइज इज द एंड फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द list of all teachers and stop looking for external teachers for there are none worth the name। अब जो साधक था वो पहले जो था वो इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाता था, तो वो निराश रहता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था, वो टायर्ड हो जाता था, उब जाता था। अब धीरे धीरे उसको वो रियलाइज होता है, समझ में आता है और वो जो ट्रांसेंडेंटल टीचर है उसका गाइडेंस, उसका सूचन जो उसको मिलता है उसको वो हमेशा फॉलो करता रहता है और इस तरह वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ फिर वो बाहर के गुरु को देखने का या बाहर के गुरु की जो उसकी शोध है वो वहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि अब वो अंदर का गुरु खुद उसको उसको मिल गया है, तो अंदर का गुरु से वो काम कर लेता है। और ये जो गुरु शब्द है वो अंदर का गुरु के लिए ही है, ट्रांसेंडेंटल टीचर के लिए है, ये शब्द कोई दूसरे व्यक्ति के लिए उचित नहीं होगा। तो गुरु शब्द है वो आत्मगुरु है उसके लिए। सो द पर्सनालिटी विच वॉज ब्लाइंड सो फार टू द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन फ्रेगमेंट इज नाउ एज अ डिसाइपल एडोरिंग इट एंड अंडर गाइडेंस
तो साधक पहले डिवाइन फ्रेगमेंट का जो इसकी प्रेजेंस है उसको भी न जानता था, न समझता था और न स्वीकारता था। पर अब जो उसकी एक स्थिति बन गई है डिसाइपल के रूप में, तो वो उसकी अब पूजा करने लगता है, उसका गाइडेंस लेता है और जो आगे की एडवांस प्रैक्टिसेस है उसके लिए वो तैयार होता है। तो साधक जो है जब तक इस तरह की उसकी मनोभूमिका नहीं बनती है तब तक अगर आत्मा कुछ देना चाहता है तो भी वो ले नहीं सकता है। तो ये स्थिति अंदर बननी जरूरी है। द डिवाइन फ्रेगमेंट इज नाउ विलिंगली गिवन द स्टेटस ऑफ द लॉर्ड ऑफ द माइंड बाय द माइंड इटसेल्फ। अब जो मन है वो ये डिवाइन फ्रेगमेंट को लॉर्ड ऑफ द माइंड कहता है कि भाई ये तो मन का भी स्वामी है, लॉर्ड है। तो इस तरह खुद मन अपने आप में ही उसको स्वीकार कर लेता है और उसकी महानता को समझते हुए उसको कहते हैं लॉर्ड ऑफ द माइंड। सूत्र 8 ऑफ बुक 4। द लॉर्ड ऑफ द माइंड द सेल्फ द परसीवर इज एवर अवेयर ऑफ कॉन्स्टेंटली एक्टिव माइंड स्टफ द इफेक्ट प्रोड्यूसिंग कॉजेस। अब हमें नॉर्मल कोर्स में ऐसा लगता है अब हम जीते हैं तो कोई अंदर कोई आत्म तत्व है, डिवाइन फ्रेगमेंट है, ऐसा कुछ हमें तो अनुभव नहीं होता है। तो हमें कभी शंका भी होती है कि भाई ऐसा कुछ अंदर है कि नहीं। पर वो जो है वो अंदर चाहे कोई भी स्थिति के अंदर हो वो हमेशा हमारी हरेक प्रवृत्ति और हरेक विचार के प्रति अवेयर रहता है। हाँ वो अलग बात है कि वो एक विटनेस की स्थिति में रहता है, वो अभी इन्वॉल्व नहीं है या वो अभी हमें कुछ गाइडेंस देके उससे बाहर आने की नहीं ये करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी अंदर वो बेहोश पड़ा हुआ है और वो कुछ जानता ही नहीं है कि अब क्या कर रहा है। एक छोटा सा छोटा सूक्ष्म विचार है उसको भी उसको पता है, उसकी अवेयरनेस जो है वो वहाँ इतनी एक्टिव है कि जो माइंड की जो एक्टिव माइंड की जो ये सब प्रवृत्ति वगैरह जो अंदर चल रहा है या जो जिसको हम इफेक्ट प्रोड्यूसिंग कोर्स कहते हैं या जिसको कर्म की असर भी कहते हैं, जो जो हम कर रहे हैं, जो चित्त में जो बन रहा है और जिसके कारण भविष्य में उसका परिणाम आने वाला है, ऐसी सारी चीज जो है वो हमेशा परसीवर सेल्फ जो है वो जानता रहता है, उसको सब पता होता है। द राधे कृष्ण एपिसोड इज बट ए प्रैक्टिकल फैंसी ऑफ ओरिजिनल राइटर्स और टू पोर्ट्रे द ब्यूटीफुल एंड टेंडर रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड ऑफ ए डिसाइपल हु हैज रीच द स्टेज ऑफ डायग्राम 3N 3B एंड इज प्रोग्रेसिंग टू स्टेज 3C एंड द सेल्फ द डिवाइन फ्रेगमेंट। अब राधे कृष्ण की जो एक हमारे यहाँ बहुत पहले से एक परंपरा के अंदर राधे कृष्ण का एक एपिसोड या उसका चित्रलेखन जो है वो हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे पुराणों के अंदर ये सारी राधे कृष्ण की लीला वगैरह बताई गई है। और उसको हम एक इसको सिंबॉलिक समझने की बजाय उसको एक रियलिटी के रूप में लेने का समझते हैं। पर उसको उसका सही अर्थ तो समझना ये है कि राधा जो है वो हमारा एक जो माइंड है, माइंड ऑफ डिसाइपल। अब जो माइंड जो एक डिसाइपल का रूप जिसने ले लिया, जो शरणागत माइंड है, जो मन हमारा शरणागत के रूप में आ गया है, वो मन और हमारा जो हमारा आत्म तत्व है वो दोनों के बीच में जो एक रिलेशनशिप है वो राधा कृष्ण की है। तो मन ही राधा है और कृष्ण जो है वो हमारा आत्म तत्व है। और मन कैसा कि जो डायग्राम 3 और 3B के स्टेज तक पहुंचा हुआ है और 3C की ओर जाता है, ऐसा इतना उच्च मन जो है, इतना एडवांस माइंड जो है वो मन राधा है और जो हमारा अंदर का सेल्फ है, आत्म तत्व है, वो कृष्ण है। तो इसीलिए हमें खाली इसको रूपक या कथा के रूप में नहीं समझना है, पर ये सही माने में, इसीलिए तावरिया जी ने त्रिस्तर के साथ में राधे कृष्ण दिया कि भाई हर श्वास के साथ में जब आप श्वास लेते हो तो राधे, श्वास छोड़ते हो तो कृष्ण। मतलब कि ये जो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम है
वो या हमारा डिसाइपल है साधक जो है मन है बॉडी ब्रेन सिस्टम है वो राधा का रूप में है और हमारे अंदर जो आत्म तत्व कृष्ण बैठा है वो डिवाइन फ्रेगमेंट कृष्ण के रूप में है। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं 3SRB उत्तरायण हमें अगर ये याद रहता है कि ये राधा है और ये कृष्ण है हर समय राधे कृष्ण का एक एक हमें अनुभव होता रहता है तो वो सबसे बड़ी साधना बन जाता है। तो इसीलिए तावरियाजन त्रिस्तर में भी यही चीज दी है। डाउन डाउनवर्ड डाउन एंड इवन अप द सबस्टेजेस फॉर इटर्निटी द इनर डिवाइन फ्रेगमेंट हैड assumed the role of a mere witness but had always been aware of the working of the brain, manas and buddhi of the physical, astral and mental bodies. So, ये बात बहुत important है कि divine fragment कभी भी अंदर इस तरह कोई बेहोशी या सोया हुआ नहीं है कि ये body brain system चाहे वो physical body brain system हो या astral हो या mental हो वो क्या कर रहा है वो उसकी उससे वो अनजान हो परे हो ऐसा कभी भी नहीं होता है चाहे वो इवोल्यूशन की यात्रा हो या इन्वोल्यूशन की यात्रा हो। तो इन्वोल्यूशन की यात्रा के अंदर भी उसका कोई सीधा रोल नहीं था पर हमेशा वो एक वीकनेस के रूप में एक दृष्टा के रूप में मतलब कि वो कहीं भी इंडल्ज हुए बिना वो सिर्फ देखता था कि ये बॉडी ब्रेन सिस्टम क्या कर रहे हैं। तो तीनों लोक के अंदर तीनों बॉडी ब्रेन सिस्टम जब काम करते हैं तो हर स्थिति के अंदर वो एक अवेयरनेस की या विटनेस की स्थिति वो बनाए रखता है। नाउ द पर्सनालिटी हैज विलिंगली एक्सेप्टेड द डिवाइन फ्रेगमेंट एज इट्स लॉर्ड एंड मेनी सॉन्ग्स वर कंपोज इन एडोरेशन। अब ये साधक जो है वो इस तरह इस स्थिति के ऊपर पहुंचा है कि डिवाइन फ्रेगमेंट को उसने अपना लॉर्ड या स्वामी या भगवान मान लिया है और जो हमारे प्राचीन जो बड़े बड़े संत भक्त संत खास करके हो गए इन लोगों ने जो काव्य या भजन वगैरह जो रचे थे ये उसके ऊपर थे। खास करके मीराबाई जो है वो उसके लिए खासी काफी प्रसिद्ध है। गुजरात के अंदर नरसिंह मेहता जो थे उसके भी भजन बहुत प्रचलित है और दूसरे भी संतों और कई संतों ने दोहे के अंदर जैसे कबीर और दूसरे संत थे उन लोगों ने दोहे के अंदर ये चीजों को रखा था ये अंदर की स्थिति का वर्णन किया था। तो ये एक स्थिति जब पर्सनालिटी विलिंगली एक्सेप्ट कर लेते हैं डिवाइन फ्रेगमेंट को अपने ईश्वर के रूप में तब फिर अंदर से इस तरह के भजन भाव वगैरह भी फिर निकलते हैं। नो सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ द माइंड मॉडिफिकेशन इज नीडेड नाउ एंड द स्टेज ऑफ एफर्टलेस एफर्ट दैट इज विदाउट एनी नीड ऑफ कॉन्शियस कंट्रोल इज रिच। सूत्र 12 ऑफ बुक 3 व्हेन माइंड कंट्रोल एंड द कंट्रोलिंग फैक्टर आर इक्वली बैलेंस्ड देन कम्स द कंडीशन ऑफ वन पॉइंटेडनेस। अब ये स्थिति यहाँ बन गई है कि उसको कोई चित्तवृत्ति को निरोध करने का माइंड मॉडिफिकेशंस को निरोध करने का कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है उसको कंट्रोल करने की अभी जरूरत नहीं है। अंदर ऐसी स्थिति है कि एक अंदर अपने आप में कंट्रोल स्थिति है जहाँ मन का कोई उपद्रव नहीं है चित्तवृत्तियों का उपद्रव नहीं है ऐसी एक शांत अवस्था अंदर बन गई है। तो एक एफर्टलेस एफर्ट की स्थिति यहाँ है। ऐसी स्थिति के अंदर साधक ये जो 3 खास करके 3AB की स्थिति है वो यहाँ इस तरह की स्थिति है एफर्टलेस एफर्ट की स्थिति में व्यक्ति अंदर रहती है उसको कोई खास कॉन्शियस एफर्ट करने की अब जरूरत नहीं है एक सहज स्थिति के अंदर वो रहता है। और उसके लिए ये सूत्र भी है कि माइंड कंट्रोल और कंट्रोलिंग फैक्टर दोनों चीज जब बैलेंस में आ जाती है तब एक वन पॉइंटेडनेस की स्थिति अंदर एकाग्रता की स्थिति बनती है। अब माइंड कंट्रोल और कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है तो माइंड कंट्रोल जो एक हायर माइंड जो है वो लोअर माइंड को कंट्रोल करता है। तो यहाँ ये एक साधक की ऐसी स्थिति बन गई है कि अभी उसका हायर माइंड काम करने लगा है तो वो लोअर माइंड को
कंट्रोल करता है, या वो स्थिति में ऐसे कंट्रोल की भी जरूरत नहीं है, वो हायर माइंड की एक स्थिति है और हायर माइंड की द्वारा एक कंट्रोलिंग फैक्टर एक उत्पन्न होता है। तो हायर माइंड और हायर माइंड का कंट्रोलिंग फैक्टर दोनों जब बैलेंस में आ जाते हैं तो एक अंदर एकाग्रता की स्थिति बन जाती है। वाई नाउ द कॉन्क्रीट माइंड इज लॉन्ग सिंस साइलेंट। अब यह स्थिति ऐसी बन गई है कि मन तो बेचारा एकदम शांत मौन में चला गया है, न कोई अंदर विचार है, न कोई वृत्ति है, कोई अंदर नहीं है, ऐसी स्थिति एक मौन की स्थिति अंदर बन गई है। द प्राइमरी बॉडी एंड मनस आर एबल टू फंक्शन ऑन देयर ओन प्लेन एंड बीइंग मोर सटल एंड सेंसिटिव आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट फिजिक पावर्स। उसको अभी सूत्र में बताते हैं, बुक 3 का 36 सूत्र। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपीरियंस द हायर हियरिंग टच साइट टेस्ट एंड स्मेल आर डेवलप प्रोड्यूसिंग इंट्यूशनल नॉलेज, रिफर डायग्राम 3B। अब जो यहाँ जो है वो साधक जो का इतनी प्रैक्टिस के बाद में उसका प्राइमरी बॉडी और मनस जो है वो अपनी जगह पर अपने प्लेन के ऊपर वो इतना काम करता रहता है और एकदम सूक्ष्म होता जाता है, सेंसिटिव होता जाता है और उसके कारण इसके अंदर साइकिक पावर्स डेवलप होते हैं। तो ये प्रत्यार की आगे की स्थिति है कि जिसके अंदर साधक के अंदर साइकिक पावर्स डेवलप होते हैं और साइकिक पावर्स से क्या होता है वो सूत्र में बताते हैं कि साइकिक पावर्स के द्वारा वो हायर हियरिंग जो दूर का कुछ श्रवण कर सकता है, दूर की चीज़ों को टच भी कर सकता है, दूर की चीज़ों को देख सकता है, टेस्ट भी कर सकता है और स्मेल भी ले सकता है, जो हायर है उच्च प्रकार का है या जो दूर है, जो 5 इंद्रिय हमारे जो अभी काम कर रही है वो सामान्य जो ऑब्जेक्ट है या जो उसका विषय है, इंद्रिय और इंद्रिय का विषय, तो सामान्य इंद्रिय जब सामान्य रूप में काम करती है तो वो सामान्य रूप में ये टेस्ट साइट वगैरह का अनुभव करती है। जब यहाँ एक स्थिति जब एक हायर स्टेज बनती है तो वो हायर लेवल के ऊपर ये पांच इंद्रियों का काम हो जाता है, सुनना, देखना, टेस्ट करना, टच करना वगैरह। बट इन सूत्र 37 ऑफ बुक 3 दिस पावर्स ऑफ द एस्ट्रल बॉडी आर ऑब्स्टिकल्स टू द हाईएस्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन बट सर्व एज मैजिक पावर्स इन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। अब ये जो पावर्स आए हैं उसकी दो चीज है, एक जो है कि अगर पावर्स का आप उपयोग करने लगोगे तो वो एक ऑब्स्टिकल बन जाएंगे, एक अंतराय बन जाएगा और आपको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए फाइनल स्टेज तक वो जाने नहीं देंगे। फिर आप ये पावर्स के साथ खेलना चालू कर दोगे और फिर वहाँ ही रुक जाओगे, तो वो एक ऑब्स्टिकल बन जाते हैं। पर दूसरा उसका ये है कि ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है उसके अंदर इसका एक बहुत बड़ा एक मैजिकल रोल होता है, आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, आप किसी को भी ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। तो भौतिक दुनिया है उसके अंदर अगर कोई इस तरह के चमत्कार करते हैं तो वो व्यक्ति बहुत बड़ी व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, पूजनीय है और कई लोग तो इसको साक्षात्कारी भी मान लेते हैं कि ये इस साक्षात्कारी व्यक्ति है, एनलाइटन है, इसीलिए इस प्रकार का वो साइकिक पावर उसके पास है। पर ऐसा नहीं है, सिर्फ पटियार की एडवांस स्टेज के अंदर ही साइकिक पावर्स तो व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, अभी तो उसको दाना ध्यान समाधि बहुत आगे जाना है और कई लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं प्रसिद्धि के लिए और दूसरे कारणों के लिए उसका जब दुरुपयोग करते हैं तो फिर वो बंधन में पड़ जाते हैं और जन्म जन्म के लिए वो स्थगित हो जाते हैं। द डिसाइपल हैज टू गार्ड अगेंस्ट प्लेइंग विद दिस हायर सेंसेस ऑफ द एस्ट्रल बॉडी फॉर दिस सीमिंग
साइकिक पावर्स आर मियरली द एक्सटेंडेड फाइव साइकिक सेंसेस, द एस्ट्रल बॉडी बीइंग फार मोर सटल। तो ये जो पांच इंद्रिय हमारी है वो जब सूक्ष्म स्तर के ऊपर पहुंचती है तो वो फिजिकल सेंसेस ही, वो एक्सटेंडेड फिजिकल सेंसेस ही वो इस तरह के पावर्स का काम करने लगती है। पर साधक को इससे बिल्कुल बचना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी तकलीफ में साधक आ सकता है। द यूज ऑफ साइकिक पावर्स क्रिएट्स नॉइज इनसाइड मनस जस्ट एज रॉन्ग थिंकिंग क्रिएट्स नॉइज इनसाइड द ब्रेन। तो जिस तरह हमारे अंदर जो एक नॉइज उत्पन्न होता है ब्रेन के अंदर, हमारे अंदर जब कहे कि हम बहुत ब्रूडिंग के अंदर चले जाता है या बहुत डे ड्रीमिंग होता है, ब्रूडिंग होता है, तो एक प्रकार का अंदर ब्रेन के अंदर नॉइज उत्पन्न होता है। इसी तरह का ये जो साइकिक पावर का जो लोग उपयोग करते हैं उसके मनस के अंदर, मतलब एस्ट्रल बॉडी का जो ब्रेन है मनस, उसके अंदर इस प्रकार का नॉइज उत्पन्न होना चालू हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा एक न्यूसेंस या एक बहुत बड़ी एक दिक्कत उसके अंदर आती है, शांति का अनुभव फिर वो नहीं कर सकता है। फॉर एब्सोल्यूट पीस ऑफ द चित्त दिस हैज टू बी साइलेंस्ड ऑल्सो, अदरवाइज द प्रॉम्प्टिंग ऑफ डिवाइन फ्रेगमेंट द ट्रांसेंडेंटल नेचर विल नॉट बी हर्ड एंड फर्दर प्रोग्रेस प्रिवेंटेड। तो जो पूर्ण शांति है, चित्त की पूर्ण शांति के लिए ये साइलेंस होना जरूरी है, न ब्रेन के अंदर नॉइस होना चाहिए न मनस के अंदर नॉइस होना चाहिए। और अगर एक प्रकार की शांति नहीं होगी अंदर, तो जो डिवाइन फ्रेगमेंट जो हमें अंदर से बोल रहा है, गाइडेंस दे रहा है, वो जो हमें प्रोत्साहन देता है, वो फिर हो नहीं पाएगा। क्योंकि कोई चीज को सुनने के लिए शांति तो चाहिए, तो डिवाइन फ्रेगमेंट क्या कर रहा है, क्योंकि डिवाइन फ्रेगमेंट कभी भी लाउडली नहीं बोलता है, वो विस्पर ही करता है। तो जो वो विस्पर करता है उसको सुनने के लिए बहुत शांति की जरूरत होती है। और यहाँ तो हमने साइकिक पावर से अंदर गड़बड़ी कर दी है, एक अंदर एक आवाज अंदर एक नॉइस चालू हो गया है, तो फिर उसका वो हम सुन नहीं सकते हैं, और फिर इससे आगे जो हमारा प्रोग्रेस है वो भी बंद हो जाता है। एनी सच एबिलिटी इज मियरली एन ऑब्स्टिकल टू द क्लियर विजन, द एब्सोल्यूट फ्रीडम एंड वर्किंग ऑफ द डिवाइन फ्रेगमेंट एंड टू फर्दर गाइडेंस फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल टीचर विच मे बी होली विथहेल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम इंडीड इफ साइकिक पावर्स आर इंडल्ज इन। तो ये जो एक एबिलिटी आ जाती है साइकिक पावर्स की, वो अपने आप में एक ऑप्टिकल बन जाता है, जो इसका क्लियर विजन है वो अभी उसके लिए एक ऑप्टिकल बन जाता है। उसके उसका जो फ्रीडम था, एक मुक्ति का भाव था, उसके लिए भी ये ऑप्टिकल एक अंतराय बन जाता है। और डिवाइन फ्रेगमेंट के साथ जो काम करना था, जिस तरह उसका गाइडेंस लेके करना था, वो भी चीज में वो चीज पावर जो है वो एक ऑप्टिकल बन जाते हैं, अंतराय बन जाते हैं, और गाइडेंस आगे फिर उनसे मिल नहीं पाता है, और इसके कारण व्यक्ति का, साधक का विकास जो है वो अटक जाता है। तो जब तक साइकिक पावर्स के अंदर साधक इंडल्ज रहता है, तब तक ये प्रॉब्लम आते रहते हैं। दोज गॉडमैन हु डिस्प्ले सच साइकिक पावर्स थिंक दे हैव अटेन्ड द अल्टीमेट विच इल्यूजन अलाउज देम टू बेस्टो पैकेज ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ऑन देयर डिसाइपल्स, बट द फैक्ट इज दैट दे हैव हार्डली रीच द स्टेज ऑफ प्रत्याहार। अब ये जब किताब लिखी थी तब बहुत सारे ऐसे गुरु थे कि अलग अलग टेक्निक जो थे वो लोगों को बताते थे, सिखाते थे, और उसमें एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन नाम की भी एक टेक्निक थी, वो भी इसका भी बहुत प्रचलन था 70s के
आजू बाजू, तो उस समय बहुत सारे लोग ये फॉलो करते थे और फॉरेन में भी बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते थे। और इस तरह ऐसे जो गुरु थे जो अपने आप को गॉडमैन समझते थे, वो इस तरह के साइकिक पावर का उपयोग करके ये सारी चीज़ें करते थे, पर हकीकत में तो वो लोग प्रत्यार के स्टेज से आगे बिल्कुल नहीं थे, हार्डली प्रत्यार के स्टेज के ऊपर पहुंचे हुए थे, ऐसा तावरिया जी मानते हैं। सच हु डिस्प्ले साइकिक पावर्स विल बी डिसओन्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव डिवाइन फ्रेगमेंट फॉर मैनी लाइव टू कम एंड द डिसाइपल विल बी लेफ्ट फ्री टू प्ले विद द साइकिक पावर टिल सच टाइम एज दे गेट टायर्ड एंड कन्फ्यूज वंस अगेन कम टू देयर सेंसेस एंड रियलाइजिंग थस वंस अगेन आस्क फॉरगिवनेस फॉर सच ट्रेसपास एंड सिंसियरली रिग्रेट देयर बिहेवियर देन ओनली विल देयर ओन सेल्फ ईश्वर द ट्रांसेंडेंटल टीचर फॉरगिव एंड गिव फर्दर गाइडेंस प्रोवाइडेड दे नेवर अगेन डेमोन्स्ट्रेट देयर साइकिक पावर। तो ये जो इस तरह जो लोग करते हैं साइकिक पावर के साथ खेलते हैं, वो अपने जो आत्मा है डिवाइन फ्रेगमेंट है अंदर का गुरु है उसको ही अस्वीकृत कर लेते हैं और कितने जन्म तक फिर वो इस तरह की स्थिति में रहता है। अब डिवाइन फ्रेगमेंट भी क्या करता है, आत्मा तत्व भी उसको छोड़ देता है कि चलो ठीक है तुमको इसे प्ले करना है तो खेलते रहो साइकिक पावर से, जितने जितने जन्मों तक खेलना है तब आप खेलते रहो। और इस तरह अनेक जन्मों तक वो साधक जो है एक पॉइंट के ऊपर उसको रियलाइज होता है कि अरे मैं तो ये गलती में पड़ गया हूँ और मेरी साधना सब चौपट हो गई है, आगे का कुछ गाइडेंस नहीं मिल रहा है, कोई एक पॉइंट इन टाइम में उसको रियलाइज होता है, तो फिर से वो आत्मा के गुरु के शरण में जाता है। और जब वो फिर से इस तरह के कोई साइकिक पावर डेमोन्स्ट्रेट नहीं करने का वचन देता है तब फिर उसका स्वीकार किया जाता है और फिर गाइडेंस दिया जाता है। और तावरिया जी ने तो कोई एक नोट के अंदर ये यहाँ तक लिखा है कि शिष्य को तीन बार कहा जाता है, ये एक बहुत स्पष्ट बात तावरिया जी ने लिखी है कि जो गाइडेंस दिया जाता है वो अगर शिष्य तीन बार तक नहीं समझता है सुनता है और उसको इग्नोर करता है तो फिर ये जो आत्मतत्व है 2500 साल तक उसके सामने नहीं देखता है, 2500 साल तक उसको इसी स्थिति में रहना देता है और 2500 साल में न जाने उसके कितने जन्म होते हैं, ये तावरिया जी ने अपनी कुछ नोट के अंदर लिखा है। तो उसके बाद में फिर 2500 साल के बाद में फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है जब वो आता है तो, और फिर आगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ों के अंदर जो साधक है वो लालच में पड़ जाते हैं ऐसे पावर्स के अंदर और इसे खेलने लगते हैं, क्योंकि कई जो साधक होते हैं उनका जो लक्ष्य होता है वो इतना एकदम क्लियर और परफेक्ट नहीं होता है, और इसीलिए जब एक स्टेज के अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाती है तो वो इस तरह इंड्यूस हो जाते हैं, एक लालच में आ जाते हैं और इस चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रसिद्धि मिलती है, पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है इस तरह के अंदर। तो साधक में कुछ कुछ लोगों के अंदर इस तरह का आ जाता है और फिर उसका साधना आगे का मार्ग बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल्स है, पावर्स आता है वो तो ठीक है, उसका पावर का दूसरा कारण है क्यों आता है, तो पर जब उसको डेमोन्स्ट्रेट करने लगते हैं तो ये चीज़ बच जाती है। तो यहाँ चैप्टर समाप्त होता है और बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर हमने देखी है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।